इन प्रीवियस क्लास हमने थोड़ा सा वीडियो के ऊपर बात की थी और उसके बाद हमने थोड़ा कलर सैम्पलिंग के ऊपर बात की थी. एक और चीज है हमारे इस टॉपिक में, वो है क्रोमा की. नाउ टेक्निकली ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कम है लेकिन बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नाउ बीइंग यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली नाउडेज इन वीडियो, स्पेशल इफेक्ट्स वीडियो स्पेशली, तो इसको थोड़ा सा, और इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने कहा कि छोटे इसको भी हम स्लाइड्स में रख के मैं डिस्कस कर लेता हूँ. Okay. Now, what exactly is color, chroma key or color keying? Color key basically means we use a blue screen. Or sometimes इसको blue screen भी कहा जाता है या blue keying भी कहा जाता है, green key भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम से रेफर जाता है. Basically इसका simple phenomena ये होता है कि जब हम videos बनाते हैं या movies बनाते हैं या special effects बनाते हैं तो वहाँ पे हम background में अपना एक screen जो है वो green color की या dark blue color की एक screen दे देते हैं और फिर उसके फ्रंट पे कैरेक्टर होता है और फिर वो ब्लू कलर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू रिमूव कर देते हैं तो हमें वो कैरेक्टर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट उसका बैकग्राउंड रहता है, फिर उसके ऊपर हम अपना कंप्यूटराइज्ड बैकग्राउंड जनरेट करके दे देते हैं. ये वो एक छोटी सी टेक्निक है जो वेरी इफेक्टिवली वेरी प्रॉमिसिंगली इस टाइम तकरीबन जितनी भी मेजर मूवीज हैं, जितने भी पाकिस्तान के टेलीविजन शोज, टेलीविजन न्यूज कास्टिंग शोज हैं या वेदर रिपोर्टिंग है, उसके अंदर ये फिनोमेना बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे और क्या हो रहा होता है, इसीलिए थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट दिस प्रिंसिपल इज एंड हाउ वी डू इट और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद दैट. ओके, तो क्रोमा की बेसिकली सिंपल एज आई सेड क्रोमा की भी कहा जाता है, इसको कलर कीइंग भी कहा जाता है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो फेड भी कहा जाता है या ब्लू स्क्रीन वीडियो फेडिंग भी कहा जाता है. ठीक है, बेसिकली उसमें फिनोमेना ये होता है कि आपके पास एक एनवायरमेंट होती है, ठीक है, और आप उसको शूट कर रहे होते हैं और उसके सामने आप ग्रीन स्क्रीन रख लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर, दोनों की वजह ये होती है कि वो जो है ना आपकी सॉफ्टवेयर में फिर ये कलर बड़ी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है और आपके नॉर्मल जो फोरग्राउंड कलर्स हैं वो उससे बहुत हद तक डिफर करते हैं, मींस एक कंट्रास्ट बड़ा अच्छा सा क्रिएट हो जाता है. यही चीज स्टूडियोज के अंदर भी की जाती है, आजकल सेट्स के अंदर की जाती है, न्यूज रूम्स के अंदर की जाती है कि आपके एक ही रूम के अंदर पूरी दीवार को ग्रीन कर देते हैं और फिर उस दीवार को वो कंपोजिट करके उसके बैकग्राउंड में जो भी चाहे लगाना वो लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में as you can see, कि दो बिल्डिंग्स हैं ये तो सेम ही है लेकिन उसके बाद फिर जो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट्स खड़े हैं वो एक नॉर्मल से सीन में खड़े हैं और उसके सामने ग्रीन लगा दिया, फिर कंप्यूटर से इस पूरी जो स्क्रीन थी उसको बाकी को क्रॉप करके उसके सामने कम्प्लीटली एक डिफरेंट एनवायरमेंट पेस्ट कर दिया. दिस इज वॉट वी कॉल्ड क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट में फोरग्राउंड में जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ और तरीके से नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा कट करके उसकी ग्रीन कलर जो है उसको कट करके उसके जगह पे बल्कि कंप्यूटर से जनरेटेड एक इमेज इम्पोज कर दी जाती है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल एक एनवायरनमेंट ये देख लें, ये एक स्टूडियो के अंदर सेटअप बनाया गया जिसमें कुछ लोग चार गाड़ियां रखी और फिर पीछे पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन पर्दे से साथ ढाप दिया गया. जब इसकी कंपोजिशन की जाती है यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक Adobe प्रीमियर लाइक न्यूक, तो वहां पे ये इफेक्ट अप्लाई किया जाता है कि वो इस ग्रीन कलर को, वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्लगइन होती है क्रोमा की करके या कलर की करके या ग्रीन की करके, वो प्लगइन अप्लाई करते हैं वो ग्रीन कलर हट जाता है, तो जिससे क्या होता है कि पूरा बैकग्राउंड फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सिर्फ ये जो फोरग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं. अब इसमें सिर्फ ख्याल ये रखा जाता है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों एग्जैक्टली सेम ना हो जाए. ठीक है, तो जब बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाता है उसके बाद अब उसी बैकग्राउंड को फिर कंप्यूटर जनरेटेड एक और इमेजेस के साथ सिंपल इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे अब जब इफेक्ट हमें नजर आएगा कि यार कंप्लीटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड जनरेट होता है. यही वो इफेक्ट है जो कि मूवीज के अंदर हम देखते हैं जिसपे पूरी बिल्डिंग्स लोकेशंस और बड़े फिनोमिनल ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे होते हैं, हालांकि वो सब के सब स्टूडियोज के अंदर शूट किए जाते हैं. टू एन एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोजन्स टू एन एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिंगल स्पेशल इफेक्ट्स, चाहे वो स्नो का हो, फायर का हो, एक्सप्लोजन्स का हो, वाटर का हो, फ्लड्स का हो, वो बेसिकली स्टूडियो के अंदर शूट किया जाता है, उसके इर्द गिर्द ग्रीन स्क्रीन रखी जाती है और कलर का सिर्फ कंट्रास्ट ये रखा जाता है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो है वो सेम ना हो. ठीक, फिर क्या होता है कि ये जो बैकग्राउंड कलर में जितना भी ग्रीन है ये सॉफ्टवेयर की के साथ कंपोजिट करके रिमूव कर दिया जाता है. ये बहुत सिंपली Adobe प्रीमियर हुआ, आफ्टर इफेक्ट्स हुआ, न्यूक हुआ या इस तरह के जितने भी बड़े पावरफुल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर ये फीचर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है. ठीक है, ये प्लगइन बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है, तो वो उस वीडियो क्लिप के ऊपर वो प्लगइन अप्लाई करते हैं, वो क्रॉप करते हैं, वो प्लगइन क्या करता है कि जहां उसको ये कलर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सारे कलर को रिमूव कर दिया जाता है और बाकी के जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनको रिमूव करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है.
उसके बाद उनके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स, कुछ भी, वो चाहे एक्सप्लोजन हो या कम्प्लीटली डिफरेंट बिल्डिंग्स हो, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हो, वो पूरा का पूरा इनके ऊपर सुपर इम्पोज करके दिखा दिया जाता है। तो अक्सर मूवीज जो हमारे पास क्रिएट होती है हॉलीवुड की, वो बेसिकली इसी तरह से स्टूडियो के अंदर क्रिएट होती है। उनके चारों तरफ ग्रीन के पर्दे लगे होते हैं और वो ग्रीन पर्दों से फिर सिर्फ कैरेक्टर्स रियल होते हैं, बाकी सारे एनवायरनमेंट गायब कर देते हैं और वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज आ जाती है। फिर वो कंप्यूटर जनरेटेड जो इमेज है वो हम अगर 2D सिंपल इमेजेस होती है, 2D लोकेशन दिखानी है तो वो 2D इमेजेस जनरेट करके नहीं पिक्चर्स लगा के रख सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सप्लोजन हैं, तो उसके फिर अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे माया हुआ, ऑटोडेस्क हुआ, ब्लेंडर हुआ, इन सॉफ्टवेयर के, और 3D मैक्स हुआ, या इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स के स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं, वो यूज करके उनके थ्रू एक्सप्लोजन और सारे इफेक्ट जनरेट करा के वो दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर लेयर्स में काम करते हैं, एक लिहाज से उसी तरह से देखिए, एक फ्रंट एंड की लेयर आ गई, उसके बाकी पिक्चर्स ट्रांसपेरेंट कर दिए और फिर बैकग्राउंड में दूसरी ला दी और इस तरह से उसको फिर कलर मैच किया कि दोनों चीजें हमारे पास सेम लगी। फिर ऑब्वियसली फ्रंट में भी कलर करेक्शन की जाती है, इस जैसे सीन में नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज्यादा लाइट वगैरह हो गई। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसी चीज को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और एक मिनट आई थिंक इसको हटा देते हैं, चलें ओके। तो ये चीज हमारे पास अक्सर औकात नजर आती है। सेम थिंग प्रिंसिपल गोज विच इज बेसिकली अलाउड ऑन देयर सिस्टम्स एज वेल। जितने भी एडवांस सिस्टम, जितने भी एडवांस हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, उन सब के अंदर जो है हम फिर यही फीचर जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि जिसमें बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को कट किया जाता है। ये सेम चीज फिर हमारे पास स्टूडियोज के अंदर भी इस टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जहां पे एनवायरमेंट को जो है ना वो कम्प्लीटली रिकम्पोजिट किया जाता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के तौर पर। बहुत सारी इस टाइम हॉलीवुड की मूवीज आपने देखी होंगी जो बेसिकली टोटली स्टूडियोज के अंदर शूट होती है, ठीक है, और उसका जितना भी बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्ट्स हैं, सीनरी है, वो सारी जो है वो क्रोमा से कट करके वो वहां पे प्लेस की जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो के अंदर भी एज यू कैन सी दिस के सिर्फ ग्राउंड और जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने एक मखसूस हद में बैठे हुए हैं, उसके बाद बाकी जितना भी बैकग्राउंड का एनवायरमेंट है वो एक बड़े से स्टूडियो के अंदर बैठ के क्रॉप करके कट करके रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट बेसिकली क्रोमा कट या क्रोमा सैंपलिंग अलाउज अस टू डू। इवन जो वाटर के सीन्स हैं, ये लाइफ ऑफ पाई का सीन था आई थिंक, जिससे प्रीवियस जो था वो मूवी 300 था, और 300 का पार्ट 2 था उसका था, ये एवेंजर्स का सीन है। तो इस तरह के तकरीबन हर दूसरी मूवी के अंदर इस वक्त जो है आपको कम्प्लीटली ये कैरेक्टर्स तरह नजर आ रहा है। इवन इसके अंदर जो लॉइन कैरेक्टर है ये भी कंप्यूटराइज्ड 3D कैरेक्टर मॉडल करके यहाँ पे रीइंपोज किया गया बाद में, ठीक है, ऑब्वियसली रियल लॉइन यहाँ पे यूज नहीं किया गया था। और ये सीन भी पूरा स्टूडियो के अंदर एक बहुत बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर फिल्माया गया था और वो पूरा का पूरा उसके ग्राउंड, अब इन्होंने यहाँ पे ब्लू स्क्रीन यूज की थी टू मैच द कलर्स प्रॉपरली, और ये फिर ब्लू पूरा एनवायरनमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर क्रोमा कट के थ्रू उन्होंने रिमूव किया और उसके बैकग्राउंड पे फिर इस तरह का पूरा एनवायरनमेंट दे दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट क्रोमा सैंपलिंग डज। इस वक्त आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडियोज अगर आप देखें तो उनके अंदर ये बहुत चीजें बहुत कॉमनली फॉलोअप की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज रूम्स है, तो अक्सर आप न्यूज रूम्स में देखेंगे तो एक अंकल आंटी होते हैं वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, उनके पीछे बड़ा जबरदस्त लैविश कलर की एक स्क्रीन चल रही होती है जो न्यूज की स्क्रीन तब्दील हो रही होती है, तो वो भी बेसिकली सेम प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं कि उनके पास बड़ा सा स्टूडियो रूम है, बैकग्राउंड पूरा उन्होंने ब्लू कर दिया या ग्रीन कर देते हैं, सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, इवन जो उनके ग्राउंड के जमीन है वो भी कंप्यूटराइज जनरेटेड होती है, वो सिर्फ उस पर मूव कर रहे होते हैं ग्रीन पर्दे के ऊपर, वो पूरा रिमूव करके फिर उसको कंप्यूटर जनरेटेड एक इमेज और तभी वो स्क्रीन और मॉडल्स और एनवायरमेंट सारा पीछे का जो बैकग्राउंड अपलोड करोगे चेंज हो रहा होगा। इस चीज को आइडेंटिफाई हम इस तरह से भी करते हैं कि अगर आप उनके शेडोज देखो तो आपको उन कैरेक्टर्स के शेडोज नजर नहीं आते, ठीक है, क्योंकि शेडोज को फिर अगर रियल ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है तो इसका शेडो निकालना तो आसान है, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली 3D एनवायरनमेंट के ऊपर खड़ा है तो उसका फिर शेडो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भी क्रोमा से फिर कट हो जाता है। तो अक्सर होकर फिर वो शेडो अलग से रीइंपोज किया जाता है मूवीज के अंदर, लेकिन हमारे स्टूडियोज क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं होता, वो लाइव अक्सर दे रहे होते हैं, तो वो शेडोज उन कैरेक्टर्स के आपको नजर नहीं आएंगे। तो अक्सर न्यूज में जब आप न्यूज रिपोर्टिंग सुन रहे हो तो इसमें कैरेक्टर खड़े होकर बड़ी सी स्क्रीन के पीछे बात कर रहा होता है और वो स्क्रीन के कंटेंट कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं, तब्दील हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, वो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं। आप अगर नोट करो उनके शेडो आपको नजर नहीं आएगा, और समटाइम्स ऐसा नजर आ रहा होता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, नीचे जमीन पे नहीं चल रहे, क्योंकि जमीन को थोड़ा सा कभी कभी वो मूव होती है, सिंक उनके टाइमिंग के हिसाब से नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये क्रोमा का सैंपल आ रहा होता है और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, अक्सर न्यूज रूम में भी ऐसा हो रहा है कि वो सिर्फ एक टेबल
के ऊपर बैठे होते हैं, टेबल रियल है, कैरेक्टर रियल है, बैकग्राउंड पे सारा पर्दा लगा होता है, जो टॉक शोज हो रहे होते हैं तो उसमें पूरे जो बैकग्राउंड उनका और होता है वो पूरा 3D रीजनरेटेड बैकग्राउंड होता है, या 2D की तस्वीर लगा देते हैं ताकि स्टूडियो उनको बहुत अच्छे और बड़े लेविश के सब कैमरे नजर आए, ठीक है। तो ये क्रोमा की के थ्रू, क्रोमा सैम्पलिंग के थ्रू होता है। अब ये मैंने कहा जैसे कि अडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर हुआ, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स हुआ, न्यूक हुआ, या इस तरह के बहुत सारे और वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर ये फीचर मौजूद है कि प्लगइन मौजूद है जो कि बड़ी आसानी से सिंपल एनवायरमेंट्स को तो बड़ी आराम से वो की करके दे देते हैं। इस तरह की जितनी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स हैं फिर उनके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है, लेकिन जैसे ये एनवायरमेंट्स हैं तो इनको बड़ी इजीली क्रॉप करके रिमूव करके हमें दे देता है। फिर ऑब्वियसली उसके साथ आपको कलर करेक्शन और कलर बैलेंस और लाइट मैचिंग कुछ और फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि लगे कि वो एनवायरमेंट उसी ही इस सीन के अंदर मौजूद है और अलग से कलर डिस्टॉर्शन हमारे पास ना हो, ठीक है। तो ये एक फिनोमेना था जो हम वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है क्रिएटिंग अ वीडियो शूट। नाउ दिस इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई विल बी गिविंग यू इन विच आपको भी अपनी एक वीडियो शूट क्रिएट करनी है, लेकिन फिलहाल थोड़े सा हम थ्योरी के हिसाब से बात कर लें दैट व्हेन वी क्रिएट वीडियो शूटिंग उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक एक साइकिल है जिसको थोड़ा सा हम फॉलो करते हैं, जिसका थोड़ा सा पता होना लाजमी है फॉर योर प्रोजेक्ट एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वीडियोज आर बेसिकली शूटिंग। यूजली जब भी हम शूटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट्स, लोकेशन, ये एक स्टडी इन्वायरमेंट लुक की जाती है, स्पेसिफिक कैमराज, माइक्रोफोन्स आपको यूज करना होता है, और उसके बाद जो एक खास ख्याल रखा जाता है वो एस्पेक्ट रेशियो एंड रेजोल्यूशन का है। आप जो वीडियो बना रहे हो वो किस पर्पज के लिए बना रहे हो, अगर आप वो वीडियो जो है वो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बना रहे हो तो आपको PAL स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, फिर वो HD क्वालिटी की वीडियो होगी या नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो होगी या सुपर HD क्वालिटी की वीडियो आपने रखनी है या 4K वीडियो रखनी है, तो ये कुछ चीजें आपको पहले से थोड़ा सा जहन में होंगी तो हम काम करना आसान हो जाता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर। नाउ व्हेनेवर वी स्टार्ट वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वीडियो और क्रिएटिंग अ वीडियो मूवी और वीडियो सेटअप, इट इज ऑल इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस दैट वी क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड ऑफ दैट एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसका प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट हम करते हैं कि सबसे पहले आपको स्टोरी चाहिए होगी, यू नीड सम फॉर्म ऑफ स्टोरी, ठीक। स्टोरी हमने आगे कि हमने ये चीज मार करनी है, फिर उस स्टोरी को हम ब्रेक करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर एंड डायलॉग के अंदर, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब ये कि हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अलग अलग करके लिखें कि भाई पहला जैसे सीन शुरू होगा तो क्या होगा, तो वो एक जैसे फ्रेज होता है कि भाई जैसे सीन शुरू होगा तो मुझे एक रूम दिखना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कैमरा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, तो कौन कैरेक्टर एक है वो सोफे पे बैठा है, ठीक है, तो ये दूसरा एक स्क्रिप्ट आ गया। फिर तीसरे में क्या होगा शॉट में, कि तीसरे शॉट में हमारे पास जो है वो कैरेक्टर जो है वो बात कर रहा है, तो उस कैरेक्टर का डायलॉग आ जाएगा कि भाई ये कैरेक्टर है उसका डायलॉग यहाँ पे आ जाएगा, फिर चौथा कैरेक्टर का डायलॉग, फिर पांचवे कैरेक्टर का डायलॉग, फिर सीन कैसे, तो ये पूरी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं सीन बाय सीन के, लव्स बाय लव्स, किस कैरेक्टर ने किस लम्हे क्या बात करनी है, उसके बाद क्या चीज होनी है, फिर इसको हम एक्चुअली विजुअलाइज करते हैं इन अ लार्ज मूवी प्रोडक्शंस। इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज किया जाता है बिफोर एक्चुअली शूटिंग द मूवी, इस विजुअलाइजेशन को हम स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, ठीक है, कि जिससे आप एक्चुअल फॉर एग्जांपल अगर आपने मूवी बनानी है और वो पूरी बहुत बड़ी एक मूवी है 2.5 घंटे की, उसमें बहुत सारे सीन्स, लोकेशंस, एक्टर्स, तो वो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि बस कैमरा उठाया, डायलॉग उठाया और शुरू हो गया ना, उसमें फिर बहुत सारी प्री प्लानिंग होती है, प्री प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। तो विद इन प्री प्रोडक्शन वी इनिशियली हैव अ स्टोरी, वी ब्रेक द स्टोरी इनटू अ स्क्रिप्ट, और फिर स्क्रिप्ट से हम उसको सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट ब्रेक करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दो लफ्ज हमने यूज किए, सीन बाय सीन एंड शॉट बाय शॉट। सीन का मतलब ये कि सीन वन हो रहा है, सीन टू, सीन थ्री, सीन फोर, एक सीन के अंदर मल्टीपल शॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीन वन के अंदर आया कि मैं रूम खोला, वहां पे कैरेक्टर बैठा हुआ है, ओके, और वो कैरेक्टर कुछ बुक पढ़ रहा है, फिर उसके बाद उसमें दूसरा कैरेक्टर एंटर हुआ और वापस में डायलॉग कर रहे हैं और फिर कुछ सीन तब्दील हो गया, तो ये सीन वन हुआ। अब उसमें मुझे शॉट्स रखने के, मैं जैसे ही सीन वन के एंटर हूं तो पहला मेरा स्क्रीन का शॉट क्या नजर है, क्या पूरा रूम दिखाना है या घर के बाहर का एरिया दिखाना है। तो अक्सर आपको नजर आता होगा ड्रामास में देखते हैं कि वो घर के बाहर का एरिया या रोड या रस्ते दिखाते हैं उस शॉट को थोड़ा सा कैरी ऑन करने के लिए कि भाई क्या चीज हो रही है और एनवायरमेंट को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो शॉट एक हुआ, उसके बाद फिर मेरा दूसरा फ्रेम चला जाएगा कैरेक्टर के ऊपर कि अब मैं कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो ये शॉट टू हुआ। फिर शॉट थ्री में मुझे कैमरा एंगल चेंज करना है, अगर वही कैमरा है तो फिर मैं शॉट टू को ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अब कैमरा एंगल तब्दील हो गया, पहले मैं इस एंगल से दिखा रहा था, अब मैं इस एंगल से दिखा रहा हूँ, तो अब ये अलग शॉट कहलाएगा।
इस शॉट में मुझे कैमरा एंगल चेंज करके आप कैरेक्टर का डायलॉग आ रहा, जैसे ही कैरेक्टर वन ने अपना डायलॉग कंप्लीट किया फिर शॉट फोर आ जाएगा, अब उस पर दूसरा कैरेक्टर रूम से एंटर हुआ तो मेरा कैमरा उसकी तरफ फोकस हो गया और उस कैरेक्टर ने कुछ डायलॉग बोलते हुए अंदर आया, ये शॉट फोर हुआ, फिर एकदम कर दो के मेरे पास मेन कैरेक्टर पे आ जाएगा, ये शॉट फाइव हुआ। इस तरह से हम अपने सीन को विजुअलाइज करते हैं कि यार मुझे कैमरा की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट सीन उठाया, मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया और शुरू हो गया। तो इस प्री विजुअलाइजेशन को प्री प्रोडक्शन कहते हैं, सीन से शॉट से ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, उसको अक्सर अच्छी प्रोडक्शन स्टूडियोज ड्रॉ कर लेते हैं, इस ड्रॉइंग को स्टोरी बोर्ड कहा जाता है कि अपनी स्टोरी को बोर्ड पे जाके ड्रॉ करो कि सीन वन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ये सीन वन हुआ, इस सीन वन के अंदर क्या चीज हो रही है, ताकि मुझे थोड़ा सा एक शॉट बाय शॉट ब्रेकडाउन हो कि मैं पहले कैरेक्टर को दिखा रहा हूँ, वो कैरेक्टर वॉक होता हुआ आ रहा है, कैमरा के करीब गया और फिर कैमरा से निकल गया, फिर उसी के अंदर शॉट टू जो है मुझे उसका पूरा रूम नजर आ रहा है, फिर सीन थ्री आ गया, सीन थ्री में मुझे क्या दिखाना है कि कैरेक्टर है वो, और वो ये कोई परफेक्ट ड्राइंग नहीं, एक जस्ट अंदाजे के तहत हम रफ ड्राइंग करके बताते हैं कि मेरा कैमरा किस तरह मूव होगा, एक्सक्यूज मी, वो कैमरा जो है मुझे क्या चीज दिखाएगा क्या चीज नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर शॉट फोर आता है, वो एक अलग सीन है। ओके, अब शॉट सीन फोर है तो सीन फोर के अंदर क्या चीज आएगी, उसमें हो सकता है एक ही शॉट हो, फिर सीन फाइव आ गया, सीन फाइव के अंदर अब यू कैन सी दिस के मल्टीपल शॉट्स में दिखा रहा हूं। इसी तरह से मुख्तलिफ सीन्स को ब्रेक किया जाता है, उनकी स्टोरी बोर्डिंग को तोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक रूम है, उसका दरवाजा किसी ने व्रंग करके खोला, उसमें से कैरेक्टर अंदर आया, वो नीचे आके गिरा, वो बाहर जाके गिरा, फिर पीछे से एक और कैरेक्टर आया, वो बातें कर रहा है, वो डायलॉग आ रहा है, तो ये सीन बाय सीन शॉट बाय शॉट प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं। बिफोर एक्चुअली गोइंग एंड शूटिंग द वीडियो हम रफ ड्रॉ करके भी बिल्कुल ऐसे पेंसिल स्केच भी कर सकते हैं, डिटेल स्केच भी करके उसके शॉर्ट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इससे ये होता है कि मैं एक्चुअली मूवी स्टार्ट करने से पहले एक्टर्स को भी पता चल जाता है, प्रोड्यूसर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, कैमरामैन को भी, कि मुझे किस तरह से सीन को लेके चलना है, ताकि शूटिंग के दिन बैठ के हमें दो दो तीन तीन चार चार घंटे लगाना ना पड़े ये सोचने में कि इसको किस एंगल से मैं रिकॉर्ड करूँ। और ये मोस्ट प्रोडक्शंस के अंदर हमारे पास फॉलोअप किया जाता है स्टोरी बोर्डिंग के अंदर। सो नाउ यू आर आल्सो बी गिवन सिमिलर प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ जिसमें आपको भी इस तरह से बेसिकली करना होगा। तो यही बात यहाँ पे भी है कि कंसिडरिंग डिलीवरिंग द मीडियम व्हेन कंपोजिटिंग डिफरेंट शॉट्स, क्लोजअप एंड मीडियम शॉट्स को हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे वही चीज आती है कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि मैं कहाँ से क्लोज शॉट्स लेना है और कहाँ पे लॉन्ग शॉट्स या दूर का रेंज रखनी है, कहाँ पे कैरेक्टर को कैमरा के बिल्कुल करीब से दिखाना है, कहाँ पे बिल्कुल दूर से लोकेशन करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी शूट्स के अंदर कैमरा के अंदर प्री प्रोडक्शन हम पहले से प्लान कर लेते हैं, और उसके बाद फिर लाइटिंग का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, कि कितनी ज्यादा लाइट होगी, कितनी कम लाइट होगी, सूरज के ऊपर मैं कैमरा रख के बात करूंगा तो कैसा होगा, सूरज से दूर रख के हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसा हो जाएगा। सो वी नीड टू वेरी पुट दिस थिंग ऑन पेपर एंड डिस्कस एवरीथिंग व्हेन एवर वी स्टार्ट टू क्रिएट अ वीडियो। और सेम थिंग आपके पास भी होगी, जब आपको प्रोजेक्ट अभी मिलेगा, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में मैं यही चीज डिस्कस करूंगा और यही चीज आपसे रिक्वायर करूंगा कि यू वुड नाउ बी रिक्वायर्ड टू राइट अ स्टोरी और फिर उसको एक स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट करो रफ ड्राइंग करके, भले कैसे भी हो यार, सीन आपका कैसे प्रोग्रेस होगा, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग करने बैठो तो वो बिल्कुल एक रैंडम सा इफेक्ट नजर ना आए, बल्कि एक प्लान नजर आए कि आपने किस तरह से उसकी प्रोग्रेसिंग करनी है। स्टोरी बोर्डिंग जरूरी नहीं कि हम हर दफे करें, लेकिन अक्सर लॉन्ग और बड़ी प्रोडक्शंस के अंदर इसको जरूर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग एंड शूटिंग वीडियो, जब आप शूटिंग करने जाते हैं तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्डिंग करके रखें, कैसे इसको शूट करें, तो उसके लिए सबसे मेजर एक एस्पेक्ट आता है हमारे पास कि वी नीड टू इंश्योर वेरियस डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी प्रिंसिपल्स। ये फिर मैं लैब के सेशन में अलग से डिटेल में बात करूंगा कि हम कैमरा को कैसे यूज करें, लेकिन फिलहाल व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू, अगर हम फॉर एग्जांपल मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट में हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप मोबाइल अपने जो भी स्टैंडर्ड कैमराज हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल करो, उन्हीं के थ्रू या बेसिक रिकॉर्डिंग करो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज योर सेलफोन कैमरा। ओके, एंड यूजिंग योर ओन सेलफोन कैमरा यू नीड टू रिकॉर्ड। अब उसमें ऑब्वियसली क्योंकि सेलफोन में सबसे बड़ा एक इशू आता है कि उसमें कैमरा हिलता बहुत है, तस्वीर आपकी कंटिन्यूसली वाइब्रेट होती रहेगी, तो हमें कैमरा को बिल्कुल स्टिल रखना है ताकि बहुत ज्यादा मूव ना हो, कैमरा के एंगल्स को ऐसा रखना है कि आपको तस्वीर सेंटर से और क्लियर नजर आए। क्योंकि एक चीज हम यूज करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से भी फॉलो किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रिड के हिसाब से फॉलो किया जाता है, जिसमें होता है कि अगर आपका मेन कैरेक्टर है, मेक श्योर इट इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ योर कैरेक्टर,
और इफ इट इज अ मोशन ऑफ मूविंग कैरेक्टर तो स्क्रीन के एक कोने से आ रहा है और वो दूसरे कोने पे जा रहा है, ठीक है, ताकि वो एक इफेक्ट क्रिएट हो के कोई चीज मूव होती हुई हमारे पास जा रही है। अगर वो मेन कैरेक्टर है तो उसको हमेशा फ्रेम में कैरेक्टर का रखा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं इस तरह से बात करूं तो अब आपका आधा मेरा चेहरा नजर आ रहा है आधा चला गया, तो ये आउट ऑफ फ्रेम कहलाता है। समटाइम्स इस तरह से भी आ जाता है कि अक्सर कैरेक्टर यूं बात कर रहे हैं तो अब ये पूरा एरिया खाली रहा, ये आधे फ्रेम में हमारे पास आ गया। सो ये थोड़ी सी ट्रिक्स है, इसको हम अवॉइड करते हैं। अगर इस तरह से ना हो, वी मेक श्योर कि माई कैरेक्टर इज एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, जो डायलॉग बोलते हैं। Now, if you watch your own videos या dramas, अगर आप देखें तो you will notice these things very prominently. फिर अगर scene में दो characters हैं, तो how well we are actually placing these two characters on the scene, कि एक character यहाँ खड़ा है, दूसरा character scene के यहाँ पे आ गया, ठीक है, ताकि दोनों को हम visibly देख सकें। ऐसा ना हो कि एक आधा कट रहा और एक character main पे आ गया, ये वाली positioning भी हमारे पास गलत होती है। So we try to make sure कि दोनों को even space allocate किया जाए। अगर single shot है तो वो center पर आ जाए, दो शॉट्स हैं तो दोनों स्क्रीन के पास आ जाए। अगर तीन कैरेक्टर्स हैं तो इसी तरह तीनों स्क्रीन पर इक्वली स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर नजर आ जाए। ये वो थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं व्हेनेवर वी ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियोस, ठीक है। बाकी टाइटल वाइटल है, इसको हम फिर प्रीमियर में जब करेंगे तो मैं तो फिर उस पर आ जाऊंगा बाकी, ठीक है। अब ये चीजें अगेन सॉफ्टवेयर्स थे, एडोब फोटोशॉप के ऊपर ऑलरेडी हमने लेक्चर्स दिए हैं, उसके ऊपर बात की हुई है। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स मैं यूज फिलहाल नहीं करूंगा, आई विल बी यूजिंग व्हाट वी कॉल्ड एडोब प्रीमियर, तो मैं प्रीमियर के ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। उसके अलावा एप्पल का फाइनल कट प्रो है, अगर आपके पास एप्पल सिस्टम है यू कैन यूज दैट, और यू कैन फॉर एग्जाम्पल यूज फाइनल कट प्रो एज वेल फॉर वीडियो एडिटिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसी तरह से आप After Effects भी इस्तेमाल होता है। मैं स्पेसिफिकली आगे लेक्चर्स में जो है Adobe Premiere को ज़्यादा फोकस पे रखूँगा, and I will be recording few lectures regarding Adobe Premiere and how we can use Adobe Premiere for video editing purposes as well, ठीक है? तो ये एक production था। अब basically what you your task is that each student has to come up with a story, and then that story is to be recorded and delivered, ठीक है? I think मैंने project कहाँ कर दिया अपना, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब बेसिकली व्हाट योर टास्क इज दैट यू हैव टू थिंक ऑफ अ सिंपल प्रोजेक्ट, ओके। सो उसकी स्टोरी सोचो, स्टोरी हैज टू बी मिनिमम 2 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इससे ज्यादा बड़ी कहानी नहीं सोचनी। यू कैन डू इट इन अ ग्रुप, यूजुअली हम ग्रुप में अलाउ करते हैं, बट बिकॉज कोविड में एवरीबॉडी इज एट अ सेपरेट लोकेशंस, बट लेट्स सी इफ यू कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। और अगर ऐसा भी है तो आप वो भी कर सकते हो कि एक स्टोरी एक जगह से बैठ के कोई रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरी स्टोरी दूसरी जगह से कोई बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है। यू कैन इवन यूज जूम सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड, घर में बैठ के कोई ऐसी स्टोरी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ले आए कि जूम से एक वीडियो हो रही है, दूसरी वीडियो दूसरे जूम से हो रही है, उनको एडिटिंग करके आप अलग करके रखें, मे बी बेस्ड ऑन अ डायलॉग, मे बी बेस्ड ऑन अ मूवी। फॉर एग्जाम्पल एक हॉरर मूवी आई थी जिसने सीसीटीवी कैमरा से पूरी फिल्म शूट की थी, सो यू कैन डू दैट, यूज योर ओन मोबाइल फोन्स, एक स्टूडेंट अलग अपने क्लिप्स रिकॉर्ड करे, दूसरा अलग रिकॉर्ड करे, और फिर उनको मर्ज करके आप रख सकते हो। सो बेसिकली आपको एक अपनी वीडियो बनानी है 2 से 5 मिनट की। इट कैन बी एनी स्टोरी, किसी हदीस का कोई मैसेज हो, कोई जनरल एक जैसे होता है कि वॉलंटरी मैसेज है, कोई फनी पोएम, कोई इथिकल चीज हो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि कोई कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल चीज ना हो, कीप इट सिंपल, कीप इट यू नो, एक पॉजिटिव चीज रखें, उसको सिंपल सा मैसेज बनाएं, उस मैसेज की स्टोरी लिखें कि भाई कैसे होगी। अगर डायलॉग्स हैं तो एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे आप जितने इन्वॉल्व कर रहे हैं, यू कैन राइट द डायलॉग्स ऑन दैट, एंड देन यू कैन क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड इफ यू वॉन्ट, ताकि पेपर पे थोड़ा सा उसका रफ आइडिया आ जाए। ये जितनी चीजें आप सबमिट करोगे उस हिसाब से फिर मार्क्स उसके मैं एक्स्ट्रा देता जाऊंगा, ज्यादा देता जाऊंगा, ठीक है। तो आपने स्टोरी भी सबमिट करनी है इस प्रोजेक्ट के साथ, स्टोरी बोर्ड भी उसकी सबमिट करनी है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे आ गया ना स्टोरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू नीड टू सबमिट स्टोरी, उसके बाद स्टोरी स्क्रिप्ट, ठीक है, उसके बाद उसका स्टोरी बोर्ड, और फिर उसका जो मैसेज है या पर्पस, ये एक मतलब जनरल स्टोरी के अंदर आ जाता है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। सो लेट मी जस्ट पुट हियर दिस थिंग हियर, ओके। तो स्टोरी हो गई, स्टोरी बोर्ड हो गई, ये आपने देनी है, और फिर उसकी फाइनल वीडियो जो है वो आपने क्रिएट करनी है, ओके। फाइनल वीडियो विथ टाइटल एंड क्रेडिट स्क्रीन, ओके। अब ये टाइटल एंड क्रेडिट स्क्रीन क्या है, जैसे वीडियो शुरू होती है ना, तो शुरू में जो टाइटल आता है कि आपकी प्रोजेक्ट का नाम, प्रोड्यूस बाय, रिकॉर्डेड बाय, एक्टर्स के नाम, तो ये शुरू के टाइटल फ्रेम होता है। एंडिंग में, आखिर में सब ऑथर्स का नाम और थैंक यू मैसेज और जो क्लोजिंग विंडो होती है, और उसके दरमियान में हमने कट करना है। रिकॉर्डिंग आपने इस तरह से करनी है कि अपने मोबाइल फोन के कैमरास को इस्तेमाल करना है, उसके थ्रू छोटी छोटी क्लिप्स आपने रिकॉर्ड करनी है,
और उन क्लिप्स को फिर आपने इम्पोर्ट करना है एडोब प्रीमियर के अंदर, और वहां पे फिर हम जितने ब्लूपर्स जो जल डायलॉग्स खराब हो गए या आगे पीछे भी, वो कट करके पूरी कंप्लीट फाइनल प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बना के आपने मुझे देनी है। अब ऑब्वियसली इसका स्टोरी हुआ, स्क्रिप्ट हुआ, स्टोरी बोर्ड हुआ और स्क्रीनशॉट्स हुए, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ऑफ वीडियो, ठीक है, ये जो है आपने मुझे सबमिट करने हैं ऑन व्हाट वी कॉल थ्रू पीडीएफ ऑन योर पोर्टल, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना ये है कि ये जितनी भी चीजें थी ना, इसका आपने मुझे बहुत सिंपल सा जो है ना एक वो बना के देना है, भला भला करें ये जितनी चीजें, ठीक है, क्रिएट ए वर्ड फाइल विथ स्टोरी स्क्रिप्ट स्टोरी बीओएडी बोर्ड। तो अगर आप हाथ से भी ड्रॉ कर रहे हैं स्टोरी बोर्ड पेपर पे ही रफली स्केच बना के उसकी स्क्रीन तस्वीर मोबाइल से लेके ना वर्ड फाइल में रखी और फिर स्क्रीनशॉट्स ये पूरी बनाएं वर्ड फाइल के अंदर, सेव एज पीडीएफ कर दें और फिर सबमिट स्लैश अपलोड द पीडीएफ ऑन पोर्टल, ठीक है। तो ये मुझे आपने आपके ई पोर्टल के ऊपर ये चीजें सबमिट करनी है, डन पोर्टल। उसके बाद जो फाइनल वीडियो होगी उसका भी लिंक देना इसमें, ठीक है, पीडीएफ सेव एस पीडीएफ और फाइनल यूट्यूब वीडियो लिंक, ठीक है, ये भी आपने मुझे इसमें देना है और फिर सेव एस पीडीएफ एंड अपलोड द पीडीएफ है ऑन फाइल। तो इससे क्या होगा कि अब मेरे पास जो भी डेटा होगा वो आपका एक LMS पे रिकॉर्ड के तौर पे आ जाएगा, ताकि आगे हम उसको एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में कैरी आउट कर सके फॉर व्हाटएवर फर्दर पर्पस, ऑफिशियल पर्पस सॉरी। और उसके बाद जो है आई विल बी एबल टू सी दैट वीडियो ऑन अ YouTube एज वेल। तो ये आप सबने अपने YouTube चैनल बनाने हैं या ग्रुप का चैनल बना सकते हैं या क्लास का कोई एक चैनल बना के उस पर रख लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि एवरीबॉडी टू स्टार्ट ऑन यूट्यूबिंग। अब ये वो प्रोसेस है जो कि हम होपफुली आई विल ट्राई टू डू इट एज वेल, और आप सबको मैंने इनकरेज करना है कि आपने एनी हाउ इस चीज को करना, ठीक है। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई थिंक मेरा सेशन भी एक्सपायर हो रहा है, तो वी विल एंड हियर। एनी अदर क्वेश्चन कंफ्यूजन, तो इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी तो उसमें फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं।